हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं अचारी मिर्च। तो चलिए, अचारी मिर्च की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम मिर्च को वॉश कर लेंगे और सूखे कपड़े के साथ पोंछ लेंगे। फिर हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे। एक पैन में हम एक कटोरी बेसन भूनने के लिए रखेंगे। फ्रेंड्स, बेसन को हम धीमी ही आँच पर भूनेंगे ताकि ये जले नहीं, और धीमे धीमे चलाते हुए भूनते जाएंगे, इन्हें लगातार भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बेसन ने अपना कलर चेंज कर दिया है और इसमें से भीनी भीनी खुशबू भी आ रही है। इसका मतलब हमारा बेसन तैयार है। और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और बेसन को एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब हमारा बेसन ठंडा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसके अंदर हम मसाले मिलाएंगे। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक और 1 चम्मच सफ़ेद नमक और 1 नींबू का रस भी इसमें हम निचोड़ देंगे फ्रेंड्स। और 2 टीस्पून के लगभग हम इसमें रिफाइंड ऑयल मिलाएंगे और इस तरह से हम सारे मसाले बेसन में अच्छे से मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बेसन तैयार है बनने के लिए। पूरा मसाले आपस में अच्छे से मिल गए हैं। अब हम मिर्च को लेंगे और मिर्च को बीच में से, सारी मिर्च को बीच में से एक एक करके चीरा लगाएंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मिर्च के अंदर बीजे होते हैं जो तीखे होते हैं। आप चाहें तो फ्रेंड्स उन बीजों को निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं निकाले हैं। चलिए, अब हम मिर्च के अंदर इस मसाले को जो हमने तैयार किया था भरेंगे। देखिए, अब हम एक एक मिर्च उठाएंगे और उसमें चम्मच की मदद से और हाथ की मदद से अच्छे से हम बेसन को भर देंगे फ्रेंड्स। इस मसाले को अच्छे से दबा के भरना है ताकि ये बाहर ना निकले। इस तरह से हमने सारी मिर्च को इसके अंदर स्टफ कर लेंगे मसाले से। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी मिर्च तैयार है तलने के लिए, सब्जी बनाने के लिए फ्रेंड्स। तो हम एक गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और उस पैन में 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल की हमने डाली है और इसको अच्छे से पका लेंगे धुआने तक, ताकि ये तीखा ना रहे। जब ये पक जाएगा तो हम इसकी फ्लेम को बंद कर देंगे, थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। फिर से हम गैस, जब ठंडा हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसके अंदर 1/4 टीस्पून के लगभग हमने इसमें हींग डाली है और 1 टीस्पून जीरा फ्रेंड्स, 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर भी डाला है। और इस तरह से मसाले भून लेंगे, मिला देंगे और एक एक मिर्च को इसके अंदर हम धीमी आँच रख देंगे। और फ्रेंड्स, जब हम मिर्च इसके अंदर रखते हैं तो बहुत चटकती है तेल, तो ध्यान से रखना। और इसके ऊपर हम नमक भी स्प्रिंकल कर देंगे और ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे। देखिए, हमारी मिर्चें एक साइड से पक चुकी हैं। अब इनको हम डंठल की मदद से उठा के पलट सकते हैं और दूसरी तरफ से भी हम पका लेंगे। 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारी मिर्च तैयार हैं। अब हम इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे फ्रेंड्स। ये दाल चावल, पूड़ी पराठे, सब्जी बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स। इसको आप 1 रोटी की जगह 2 रोटी खा सकते फ्रेंड्स। आपको मेरी मिर्च की सब्जी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।